हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में आपके अपने चैनल राज बाइक डॉक्टर में। दोस्तों आज की वीडियो आप देख रहे हैं, मेरे पास ये टेम्पो का टायर है दोस्तों। और दोस्तों आज की वीडियो में आपको इसको खोल के बताने वाला दोस्तों, इसको किस तरह से खोला जाता है, इसको किस तरह से फिट किया जाता है दोस्तों, अगर इसका पंचर हो जाए तो इस पंचर को कैसे बनाया जाता है दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, और पास में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों, और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सके दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे इसका वाल और इसके डाई है दोस्तों, इसका वाल इसकी नली के अंदर होता है दोस्तों, इसको इस डाई की मदद से खोलना होता है दोस्तों। उसके बाद जो इसके अंदर थोड़ी बहुत हवा बचती है वो बाहर निकल जाती है, इसको खोलने से दोस्तों ट्यूब भी आसानी से निकल जाता है बाहर, तो इसको खोलना जरूरी होता है दोस्तों। फिर इसकी हम इसको चारों तरफ से छुड़ाएंगे दोस्तों, इसको टायर को इसको छुड़ाना पड़ता है दोस्तों, ठोक ठोक के या मशीन होती है मशीन से छुड़ा लेते हैं। हमारे पास मशीन है, हम इसको साधारण तरह से जो हमारे लग होते हैं टायर होते हैं उन्हीं की मदद से इसको छुड़ाएंगे दोस्तों, छुड़ाने से टायर आसानी से बाहर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको छुड़ाते हैं, पहले इसको ओपन करने के लिए हमें कुछ इस तरह के टायर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। एक हथौड़ी चाहिए, एक छोटा वाला टायर चाहिए ठोकने के लिए दोस्तों, और दो टायर बड़े वाले दोस्तों टायर को ओपन करने के लिए चाहिए दोनों। तो सबसे पहले हम इनका यूज़ करेंगे दोस्तों। दोस्तों इसको छुड़ाने के लिए टायर होता है दोस्तों ठोकने वाला, इसको यहाँ पे रखेंगे कुछ इस तरह से, और इसको चोट लगाएंगे ऊपर से हथौड़ी को इस तरह से, हथौड़ी घुमाएं भैया। दोस्तों आप देख लो ये गैप बन गया यहाँ पर, ये पूरा गैप में पूरे टायर के अंदर बनाना है इसको, देखो करना देखो ऊपर लाए दोस्तों, आप देख लो कि टायर छूट चुका पूरा ऐसे। आप देख रहे हो टायर यहाँ से पूरा छूट चुका इस साइड से, अब हम दूसरी साइड से छुड़ाना है इसको। दूसरे साइड से छुड़ाने के लिए इसको उल्टा पड़ गया दोस्तों किस तरह से, और इसके भी चारों तरफ से चोट मारेंगे दोस्तों, इधर से भी छूट जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कुछ चोटे मारने के बाद इधर से भी छूट गए दोस्तों, दोनों तरफ से फिर हो चुका दोस्तों। अब इसको ओपन करेंगे हम, इसको ओपन करने के लिए दोस्तों जो हमारे बड़े वाले टायर होते हैं दोस्तों उनकी मदद से ओपन करेंगे दोस्तों। इसको टायर को बाहर निकालने दोस्तों, जो टायर होते हैं बड़े वाले उनको कुछ नीचे इस तरफ से लगाना दोस्तों, एक को कुछ इस तरह से, और पीछे से इसको इस तरह से एडी से दबाना दोस्तों, यहाँ से पीछे की तरफ से दोस्तों बाहर आ जाएगा कुछ इस तरह से। दोस्तों यहाँ से टायर को लगाना है और पीछे से एडी की तरफ से यहाँ से दबाना है, फिर बाहर आ जाएगा दोस्तों कुछ इस तरह से। अब आगे लगाएंगे टायर को इस तरह से, दोस्तों टायर को आगे से आगे लगाते रहना है, तो बहुत कम गैप लेते हो, इसको पूरा पूरे को ओपन करना है कुछ इस तरह से। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पूरा टायर ओपन हो चुका दोस्तों, उस नली को अंदर डाल देना है, फिर इसका जो ट्यूब होता है उसको पकड़ के बाहर खींचना है। तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों इसका ट्यूब है जो पूरा बाहर आ चुका दोस्तों, अब इसके अंदर वाल लगाएंगे
उसके अंदर हवा भरेंगे, फिर चेक करेंगे दोस्तों इसके अंदर पिंचर कहाँ पर। दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों, ये छोटू वाल लगा रहा है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हवा भर रहा है छोटू, इधर देख। भर चुकी दोस्तों पूरा के अंदर। अब इसके अंदर पिंचर चेक करेंगे दोस्तों। दोस्तों मैंने इसको पानी से अच्छे से चेक कर लिया दोस्तों, इसको ऊपर पूरे के ऊपर पानी डालते दोस्तों तो पिंजरे का पता चल जाता दोस्तों पिंजरे कहाँ पे। दोस्तों अब देखेंगे दोस्तों, मुझे पिंजरे यहाँ पर मिला दोस्तों, और अभी इस पिंजरे को बनाएंगे हम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसकी हवा निकालते बाहर, फिर इस पिंजरे को बनाते हैं दोस्तों। निकालने दोस्तों वाल को खोल लेंगे तो हवा बाहर आ जाएगी इसकी। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इतने घिस चुका दोस्तों। अब इसको हम इसके ऊपर जो सोल्यूशन होता है दोस्तों, पंचर बनाने वाला सोल्यूशन लगाएंगे दोस्तों। इतना सा सोल्यूशन लगाना है, इसको चारों तरफ फैलाना दोस्तों कुछ इस तरह से। फिर दोस्तों इसको सुखाना थोड़ा बहुत, ये गीला नहीं रहना चाहिए, गीला रहेगा तो कारी जो अपनी छिपी होती है दोस्तों जिसे कारी बोलते हैं उससे ढंग से काम नहीं करेगी दोस्तों। इसको पूरे को एकदम सुखाना है ढंग से थोड़ी देर, और फिर इसके ऊपर जो कारी होती है दोस्तों वो लगाना है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अनकट है दोस्तों, आप देख रहे हैं इतनी देर में सूख चुका दोस्तों, इसको ज़्यादा भी नहीं सुखाना दोस्तों। और फिर जो कारी आती है दोस्तों पंचर बनाने वाली, इसके ऊपर लगानी है दोस्तों कुछ इस तरह से, इसकी हटानी पन्नी को, और जो पिंचर है दोस्तों इसके बीचों बीच लगानी है दोस्तों कारी को कुछ इस तरह से। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कारी अच्छे से लग चुकी है दोस्तों, और अब इसको ट्यूब गन को टायर के अंदर फिट करना दोस्तों। तो आपको फिट करना बता दें दोस्तों किस तरह से फिट किया जाता है। तो दोस्तों ट्यूब को फिट करेंगे, ट्यूब को फिट करने लिए दोस्तों ये आप देख रहे हैं स्टेपनी मैंने रख लिया दोस्तों, उसके जो नली वाला मुंह दोस्तों उसको ऊपर रखना दोस्तों ये वाला। और दोस्तों फिर ट्यूब डालेंगे, ट्यूब की दो साइड होती है दोस्तों, एक इस साइड होती है दोस्तों एक इस साइड होती है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं दोस्तों जिस साइड नलकी ये होती है पिंचर वाली ये ऊपर रहती है दोस्तों, उस साइड को ऊपर रखना दोस्तों कुछ इस तरह से। आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ नली, अगर हम इसको इस तरह से लगाएंगे दोस्तों नली नीचे की तरफ चली जाएगी, तो इस तरह से कामयाब नहीं होगा दोस्तों हमारा ट्यूब, हवा भरते टाइम नलकी अंदर चली जाएगी दोस्तों। तो इसको कुछ इस तरह से रखना दोस्तों ऊपर की तरफ, और दोस्तों अब इसको लगाते हैं दोस्तों। आप देखिए दोस्तों किस तरह से लगाता हूँ दोस्तों मैं, तो दो टायर लूल लेंगे दोस्तों, इस ट्यूब को साइड में करते हैं थोड़ा सा। और दोस्तों पहले सबसे पहले नली को लगाएंगे दोस्तों, नली को लगाने के लिए दो टायर लूल इस तरह से लगाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर गैप बनाएंगे दोस्तों, इसके अंदर नली के अंदर गैप बनाएंगे दोस्तों कुछ इस तरह से। इस तरह से गैप बनाएंगे दोस्तों, गैप बन चुका है। फिर इस नली और इससे ऊपर है दोस्तों, इसको ऊपर रखना कुछ इस तरह से, और इस नली को इसके अंदर लगाने दोस्तों छेद के अंदर, इसका जो छेद है इस तरह से इसकी नली को लगाने दोस्तों। आप देख रहे हैं कि इसकी नली लग चुकी है दोस्तों, और ये टाइलर इसको हल्के से आराम से सीधा करके और आसानी से एकदम सीधा निकालना दोस्तों, नहीं तो कट लग जाएगा इधर घूमेंगे, इसको एकदम सीधा निकालना है कुछ इस तरह से। आप देख रहे हैं इसकी नली गल चुकी है दोस्तों, और इस ट्यूब में ऐसे ऊपर कर देंगे कुछ इस तरह से, ये ट्यूब अंदर चला जाएगा इसके। तो इस पूरे ट्यूब को अंदर डालना दोस्तों, आप देखिए मैं किस किस तरह से इस ट्यूब को अंदर डालता हूँ दोस्तों। सबसे पहले स्टेपनी के ऊपर पैर रखना दोस्तों, और टायर को इस तरह से ऊपर करना दोस्तों इस तरह से।
ये अंदर चला जाएगा दोस्तों। दोस्तों बहुत ही मुश्किल काम होता है दोस्तों टेम्पो का पंचर बनाना। दोस्तों सबसे मुश्किल काम होता है दोस्तों टेम्पो का, क्योंकि इसका छोटा टायर होता है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल होती है दोस्तों। इसलिए वीडियो दोस्तों लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, कमेंट करना ना भूले दोस्तों। दोस्तों आपको किस किस साजन के दोस्तों टायर पंचर बनाने सीखने दोस्तों मुझे कमेंट कर सकते हो दोस्तों, मैं आपके लिए हर एक साजन का वीडियो उपलब्ध कर दूँगा दोस्तों। जिस भी आप बोलोगे दोस्तों उसी का मैं वीडियो बना दूँगा दोस्तों। दोस्तों आप देख रहे हैं ट्यूब पूरे अंदर चला चुका है दोस्तों, और ट्यूब को पूरे अंदर डालना नहीं तो साइड किनारे पर जाएगा दोस्तों, कट लग जाएगा फिट करते समय। तो इसको पूरा डालना अंदर, मैं इसको फिट करता हूँ दोस्तों किस तरह से फिट किया जाता है इसको। इसको फिट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले एक टायर लोड लेते हैं और उसको कुछ इस तरह से दबा दिया जाता है दोस्तों। दोस्तों ट्यूब अंदर डालते जाना, हाथ देखते जाना दोस्तों रिंग के हाथ नहीं रहे, और फिर इसको टायर लोड लगाते जाना, फिट करते जाना थोड़ा थोड़ा गेट पे अंदर टायर लोड लगाना दोस्तों। दोस्तों इतना फिट करने के बाद दोस्तों इसको हथौड़ी फिट करना दोस्तों। दोस्तों इतना फिट हो चुका दोस्तों, फिर इसके बाद एक हथौड़ी लेना दोस्तों, इस किनारे के अंदर ऊपर मारना दोस्तों चोट, तो पूरा फिट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर फिर रखना दोस्तों, इसके अंदर 80 पॉइंट हो चुकी है दोस्तों। इसके ऊपर पानी लगा के चेक कर लेना, थूक लगा के चेक कर लेना कि सही है या नहीं है।